हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। तो आज का टॉपिक हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज का टॉपिक हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हमारा मोशन हो रहा है। मोशन से मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैंने कहा, ये तो पता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में, इसका क्या मतलब हुआ, हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, क्या एग्जैक्टली वो बॉडी रेस्ट पे है, बोल सकते हैं क्या? अगर हमने कहा कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो क्या वो एग्जैक्टली रेस्ट पे है, या कोई मोशन में है या किसी मोशन में है? चलो एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा ये एक ब्लॉक था, ठीक है, इसके ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ था और ये ब्लॉक मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा था तो क्या ये आदमी जो था मोशन में था, ये ब्लॉक था मोशन में। पर अगर मैं देखूँ इस इंसान, अगर मैं क्या कहूँ, मेरे रिस्पेक्ट में, अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में देखूं, मैं खड़ा था ज़मीन पे, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में देखा, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या इंसान मूव कर रहा है, ये डिब्बा भी मूव कर रहा है। पर अगर मैं इसके इंसान के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये तो खड़ा हुआ है ना। तो कोई भी पार्टिकल हम कह सकते हैं रेस्ट पे है या मोशन में, हम नहीं कह सकते, वो किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में होगा। चलो मेरे हमारा डिस्टेंस, अब आते हैं डिस्टेंस पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल कवर्ड पाथ हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। सेम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यही कह सकते हैं। अगर मैंने कहा ए बी सी, अगर ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर मैंने कहा ये थ्री चला, ये 3 मीटर चला, ये 4 मीटर चला, मैंने कहा ए से बी तक 3 मीटर चले, बी से सी तक कितना है, 4 मीटर है, ठीक। अगर ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, तो टोटल हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे हम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम ये कवर कर सकते थे ना ईजिली आके, तो ये क्या 90 बनाएगा, सीधा ही कितना आ गया 5, तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना कह सकते हैं हमारा होगा 5, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेसिकली, ठीक है। चलो सेम आ जाओ आगे देखते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है तुम्हारी, एक एवरेज वेलोसिटी, दो टाइप नहीं मतलब दो पार्ट में डिवाइड करो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक होगी एवरेज वेलोसिटी, एक होगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो क्या करोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको कैसे लिख सकते हैं, वी बराबर डीएक्स बाई डीटी, वी क्या लिख सकते हैं, डीएक्स बाई डीटी
ठीक। अगर मैं पूछूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंसिडेंट वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसे चेंजेस वेलोसिटी। सेम अप्लाई होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा ये तो पता है ना वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कंफ्यूज मत होना, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है मीटर में होगी, टाइम क्या है सेकेंड में आ जाएगा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं, v बराबर सॉरी a बराबर dv बाई dt, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डीटी, ठीक है। यहां चलो अब वी पता है, वी क्या होता है हमारा, वी क्या होता है डीएक्स अपॉन डीटी, वी क्या होता है डीएक्स अपॉन डीटी। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, अगर मैं इसको चेंज करूं, ए को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको क्या लिखूं, अगर मैंने लिखा dv, मैंने कहा dv इसको dx से चेंज कर दूं इनटू dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकता हूं, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये dx अपॉन dt क्या हो गया तुम्हारा, v। तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, a बराबर क्या हो जाएगा, v dv by dx, एक्सेलरेशन का एक फॉर्म होता है v dv by dx, ठीक है। चलो जरा ग्राफ से देखता हूं, ग्राफ से पहले थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलस मैथ मैथ थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना काम का है उतना यूज करेंगे। मैंने कहा x टू द पावर n, x टू द पावर का n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। सेम अगर मैं साइन एक्स का निकालूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये कुछ बेसिक टर्म है हमारे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पता है ना, कि पावर चली जाएगी बाहर, एक्स टू द पावर माइनस हो जाएगी, कुछ बेसिक टर्म है ये यूज होगा हमारा, ठीक है। सेम कॉस के भी कुछ याद होंगे आपको, याद है सब, कॉपी से देख लेना, देख के लिख लेना थोड़ा बस। उसके बाद है इंटीग्रेशन, बस थोड़ी बात करेंगे ज़्यादा नहीं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखा होगा कुछ, मैंने कहा x टू द पावर n, अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या होता था, ये क्या होता था, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन x n प्लस वन प्लस का c, ठीक है। तो सेम बाकी ये इस टाइप के करेंगे कुछ, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, बाकी आप ट्राई कर लेंगे, बाकी इतना तो पता होगा ना डिफरेंशिएशन कैसे कर लेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो बाकी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सीधा ग्राफ पे, ग्राफ एक्चुअली थोड़ा टाइम कम है तो इस वजह से शॉर्ट शॉर्ट में करते जा रहे हैं सारा। अभी डिटेल में नहीं पढ़ सकते पूरा। तो ग्राफ अगर मैं पूछूं, ये टाइम टी है, ये एक्स है, एक्स और टी का मतलब डिस्टेंस या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या आता है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या है, वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी तो होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यही आएगी। तो ये ध्यान रखना, डी
dx और dt का ग्राफ हमेशा वेलोसिटी देता है सेम, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। चलो अगर मैंने कहा ये टाइम t है सेकंड में है, ये x है, ठीक है, अगर मैंने कहा कुछ ग्राफ ये था, कुछ ग्राफ ऐसा था मेरा, ये कुछ ग्राफ है हमारा, मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मैंने, कितना है हमारा x1 कॉमा y1, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया x2 कॉमा y2। अब x1 मतलब यहाँ पे कोई x1 होगा कोऑर्डिनेट, ये x1 कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा x1 कॉमा 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 कॉमा y1, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 कॉमा 0, सेम ये वाला अगर मैं ऐसे मैच कर रहा हूँ ज़रा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा y2, ये वाला कोऑर्डिनेट सेम, x2 कॉमा 0, चलो ये x2 कॉमा 0 हो गया। अब अगर मैं करूँ, मैंने क्या है ये मैच करा दूँ, ये टेंजेंट खींच दूँ, ठीक, ये क्या, ये क्या आ गया, ये टेंजेंट खींच दी एक, तो ये क्या आ गया बेसिकली, ये क्या आया, ये अगर मैंने मैच करा दे तो ये क्या हुआ, अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूँ, अगर ये 90 हो गए तो ये क्या, ये डिस्टेंस, अगर मैं ये देखूँ ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अगर मैंने मान लिया ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये देखो कितना चला, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई वन चले, यहाँ से यहाँ तक कितना चले वाई टू चले, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई वाई टू माइनस का वाई वन, सेम ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी एक्स टू माइनस का एक्स वन, अगर ये मैंने एंगल थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया, अगर मैं ऐसे टैन थीटा निकालूँ, टैन थीटा, तो टैन थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस का y1 अपॉन बेस कितना है आपका x2 माइनस का x1, ठीक है। अभी ये क्या y2 माइनस का y1 है, ये क्या फाइन मान लेते हैं, अगर दो ही पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट y1 है और फाइनल y2 है, तो ये क्या इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, चेंजेस आ गए, अगर मैं इसको डेल लिख दूँ टैन थीटा इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अच्छा लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूँ, इसको कम करता जाऊँ स्लोप कम कर दूँ, थीटा कम करता जाऊँ, ठीक है, मैं कम करता जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट कहीं भी यहाँ पे आ जाएगा एक टाइम पे यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं बेसिकली, लिमिट x टेंस टू जीरो कर दी, x टेंस टू जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा सीधा tan थीटा बराबर ये y बाय x लिख देता हूँ सीधा। तो अगर एक नॉर्मल दिखता हूँ, सॉरी ये कितना टैन शुरू करो तो ये dv बाई dx हो जाएगा, लिमिट में पड़ा होगा, लिमिट अगर डेल हो तो अगर लिमिट लगाते हो तो x टेंस टू जीरो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा dv बाई dx, ठीक है, तो ये कितना आ गया dv बाई, अगर मैं नॉर्मल पूछूं, अगर मैंने ये टाइम है तुम्हारा, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो इनका ग्राफ ये वेलोसिटी आएगा, ठीक सेम, अगर मैं मान लेता हूँ ये टाइम, ठीक, अगर यहाँ से मैं मान लो निकालता है मैं, अगर मैंने कहा ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये डिस्टेंस आपने कवर करी मान लो कितनी एक्स करी, ये टाइम है आपका, कितने भी टाइम में कवर करा, अगर मैं आपसे एंगल पूछूँ तो निकाल लोगे टाइम थीटा, ये एक्स दे रखा होगा टी दे रखा होगा निकल जाएगा ईजिली, ठीक सेम, तो टैन थीटा अगर स्लोप निकालना है स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा वाई बाय x, got it? Next, अभी क्वेश्चन से समझते थोड़ा फिर आगे जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है समझने का। अच्छा उससे पहले थोड़ा इसका क्वेश्चन देख लेता हूँ।
चल, अभी कह रहा है आपसे कि द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम गिवन, ये कुछ एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पोजिशन दे रखी है आपकी। कह रही द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी बराबर टू सेकेंड, टी बराबर टू सेकेंड पे द मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। क्या करेंगे, क्या इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखा है, एक्स बराबर फाइव का टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का फाइव, ठीक है, ये पोजिशन दे रखी है। एक्स क्या था हमारा, पोजिशन दे रखा, पोजिशन, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में दे रखा, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करूँ, डिफरेंशिएट, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी क्या होती थी, डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दो एक बार में तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया, फाइव टू ज़ा टेन, टेन टी माइनस का फोर और प्लस का जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, टेन टी माइनस का फोर, टेन टी। अब कह रहे हैं टी बराबर टू पे आपको निकालना है वेलोसिटी, टी बराबर टू पे चेक कर लो कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वी बराबर कितना है, टेन टी माइनस का फोर। टी बराबर टू पे देखो तो क्या हो जाएगा, टेन इंटू टू माइनस का फोर, तो कितना आ गया, वी बराबर ट्वेंटी माइनस का फोर, दैट इज सिक्सटीन, सिक्सटीन मीटर पर। टी की वैल्यू टू पुट करनी है, टी बराबर टू पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, टी बराबर टू, तो टेन इंटू ट्वेंटी माइनस का डिफरेंस कितना आ गया, सिक्सटीन। तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल ये प्रीवियस ईयर आपका। नेक्स्ट चलो कुछ और देख लेते हैं थोड़ा, फिर आ गया। अगर मैंने कहा कि a बराबर क्या होता है तुम्हारा, v dv by dx, चलो अगर मैं करूं तो a dx बराबर v dv लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ये कोई दिक्कत। अच्छा अगर सेम ऐसे क्या लिखते हैं, dx by dt बराबर v वेलोसिटी सेम। अगर मैं क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ दोनों तरफ, अगर मैं क्या करूँ इसको लिख देता हूँ, डी एक्स बराबर वी डी टी लिखा है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेट जिसके ये करते हैं, ये क्या होता है तुम्हारा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या निकलेगा तुम्हारा, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने कहा वेलोसिटी को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी को और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी वी बाई डी टी, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, ठीक। अगर सेम मैं क्या करूँगा उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापस हमें मिल जाएगी, अगर मैं क्या करूँगा सेम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दूंगा वापस हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो अगला टर्म मिलेगा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तुम्हारा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट करूँगा तो एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। क्वेश्चन से समझते हैं ज़्यादा इजीली समझ पाओगे। ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द वी टी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ द मोशन, 25 सेकेंड ऑफ द मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है, ग्राफ से। चलो अब ये देखो, ये क्या वेलोसिटी दे रखी इधर, ये क्या है टाइम। चल अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, तो टी बराबर ट्वेंटी तक, टी बराबर ट्वेंटी तक निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालो कितना कवर करेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर निकालूँ मैं तो डिस्टेंस निकालने के एरिया अंडर द कर्व, एरिया पहले ये देखो, ये कितना है टेन है, ये कितना है फाइव, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है वन बाई टू, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका फाइव इंटू हाइट टेन, प्लस नेक्स्ट ये रेक्टेंगल बन जाएगा पूरा, ये कितना चले फाइव चले इंटू, ये कितना है टेन, नेक्स्ट ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा फाइव इंटू टेन प्लस वन बाई टू, बेस कितना है आपका फाइव इंटू टेन, हाइट कितनी है वापस, नेक्स्ट ये ट्रायंगल बन जाएगा वन बाई टू, बेस कितना है फाइव इंटू हाइट कितनी है टेन,
जरा सॉल्व करें कितना आएगा, सॉल्व करें कितना आएगा, तो ये कितना आएगा 25 प्लस का 50 प्लस का 50 प्लस का 25 प्लस का 1 मिनट, ये लास्ट वाला कुछ गड़बड़ है, इसमें कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, ऊपर 10 चल रहे हैं नीचे, चलो वापस इधर आ जाओ। अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल कवर्ड एरिया, ठीक है, तो पहला देखो ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना, पहला ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस कितना 5 है, ये कितना है 10, तो एरिया निकालूंगा 1/2, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 10 प्लस, ये क्या रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल कितना है 5 इंटू 10 प्लस, नेक्स्ट ये पूरा, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ट्रायंगल बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो वही इतना ही होगा 5 इंटू 10 प्लस ऊपर वाले का, ऊपर वाले देखो कितना, ये वाली डिस्टेंस कितनी 10 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी 5 है, सेम कितना हो जाएगा 1/2 5 इंटू 10, ठीक। अब इस वाले लास्ट वाले का निकालते हैं, लास्ट वाले का ये कितना चले 5 और ये हाइट कितनी है आपकी 20, यहाँ से 10 यहाँ से 20, ये मोटी पूरी निकालनी है, पूरी पूरी ये वाली हाइट, ठीक है, यहाँ तक 10 हुई, वापस 10 है, टोटल कितनी है 20, तो प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 20, अगर मैं सम करूँ तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 50 प्लस का 50 25 प्लस 50, टोटल सम करने में कितना आ रहा है 50 200 आ रहा, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना कवर करा है मैंने 200, राइट, टोटल ये भी कितना कवर करेंगे, ये वाला ये कितना आ जाएगा, इसका एरिया निकालूं तो कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 20, तो कितना चलेंगे 50। अब देखो ऊपर वाला हमेशा ऊपर पॉजिटिव लेते हैं नीचे नेगेटिव, भाई ऊपर गए तो पॉजिटिव चल रहा है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, तो ऊपर कितना कवर करा 200 कवर करा, ऊपर यहाँ तक कितना कवर, एरिया कितना कवर करा उसने 200 कवर करा, नीचे कितना आया 50, नीचे कितना कवर करा ये वाला उसने, ये कितना कवर हुआ 50, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल जितना पाथ कवर करते हैं टोटल, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये 200 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना चले 200 प्लस 50 तो कितना आ गया 250, कितना चले 250 चले। नाउ अभी हमसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव कितना चले 200, फिर वापस कितना नेगेटिव चले 50, तो कितना चले 150 मीटर, ठीक है। अब किसका रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस को ऊपर रख दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 150, कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है, आ जाएगा 5/3। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनका एरिया निकालोगे तो टोटल जितना पाथ कवर करेंगे वो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर अपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक और ग्राफ वाला है, बनाओ इसको देखो,
चलो देखना डिस्टेंस निकाल, पहले ये कितना आया, ये कितना है, ऊपर से 8 चल रहे हैं, 8 चले, इधर कितना आ गया 2, तो एरिया कितना आ गया 16, इधर नीचे भी कितना आया 4 और 2, कितना आ गया 8, ये कितना चले 2, ये कितना है 4, 9, इधर आ जाओ इस वाले में, ये कितना जा रहे 4 से, तो ये 4 चलेंगे 4 से 8, ठीक है, और ये कितना जा रहा है 0 से 4, ये भी कितना आ गया तुम्हारा 4, तो ये कितना आ गया 16, 16 सेम, ये कितना आया नीचे 4 तक आया, और ये कितना गया 8 से 10, 2 गए, तो ये टोटल कितना आ गया 8 आ गया, तो टोटल कितना कवर करा, देखो टोटल अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस कवर्ड पाथ होता है टोटल, टोटल कितना चले 16, 8 लिख देता हूँ सर, 16 प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का 8, इतना ही तो चले, तो कितना आ गया 48, ठीक है 48 आ गया, चलो नो, अब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 16 पॉजिटिव चले, वापस 16 पॉजिटिव चले, तो कितना 32, नाउ 8 नीचे चले, वापस 8 नीचे चले, तो नीचे कितना चले 16, 8 और 8 16, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 16, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ 16, और डिस्टेंस कितनी है 48, तो क्या पूछे डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 16 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 48, तो कितना आ गया 1:3, ठीक है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, थ्योरी हो गई सारी, अभी क्वेश्चन स्टार्ट, चलो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गिवन, पोजीशन दे रखी पार्टिकल की, ये कह रहा है वेयर टी इज द सेकंड एंड आर इज इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी टी इन टी, टी इक्वल्स टू 1 सेकंड विद द रिस्पेक्ट इन टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अभी हम क्या करें स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस में चल रहे हैं तो एक्स में ही चलेंगे, वाई में चल रहे हैं तो वाई में चलेंगे, जेड में चल रहे हैं तो जेड में चलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, अगर मैं पूछूं क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है वेलोसिटी निकालनी, तो सेम जो क्वेश्चन दे रखी है क्या दे रखा है आर, आर वेक्टर टी में फंक्शन दे रखा है आपका कितना 4 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दूं dr by dt निकाल लूं, तो dr by dt कितना आ जाएगा, dr by dt इसको t के रिस्पेक्ट में करो तो 4 आ जाएगा 4i कैप प्लस 2 2s are 4t j कैप प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म 0 आ जाएगा, तो dr by dt, dr by dt को क्या लिखते हो वेलोसिटी तो होती है, तो कितनी आ गई 4i कैप प्लस 4t j कैप, नो हमसे पूछा गया है कि डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है वेलोसिटी निकालनी vt एट t बराबर 1 सेकंड, तो t बराबर 1 सेकंड पे कितना आ जाएगा t बराबर 1, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी t बराबर 1 पे 4 प्लस 4i कैप प्लस 4 j कैप, t बराबर 1 पुट कर दिया, अब मुझसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं v बराबर अंडर रूट i कैप का, i कैप का जो टर्म है उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस j कैप वाला, इस टाइप का लिखाओ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है इस टाइप का लिखाओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या लिखते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, सेम 4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 16 32, 32 का होता है 4√2, 4√2, तो दो ऑप्शन तो ये नहीं होंगे 4√2, अभी क्या करना है डायरेक्शन भी तो निकाल देंगे, चलो तो tan थीटा सिंपल अभी बताते हैं tan थीटा क्या होता है, मान लो ये x है तो ये y, y by x होता है, तो कितना आ गया 4 by 4,
तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा बराबर 1, tan में वैल्यू 1 कब होती है, 45, तो थीटा कितना आ गया 45, तो थीटा कितना है आपका 45 डिग्री। फर्स्ट नेक्स्ट A vehicle travels half the distance with the speed B and the remaining distance with the speed 2B. Its average speed, इसकी एवरेज स्पीड बतानी कितनी होगी, ट्राई करें। अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड वी, ठीक है। अगर मैंने कहा एक ट्रैवल, इसको जाना था ए और बी, ये दो बीच में मिड पॉइंट इसका सी है। अब कह रहे हैं कि आप व्हीकल, एक व्हीकल है जो ट्रैवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड वी। हाफ डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ, पूरी डिस्टेंस अगर 2D है पूरी डिस्टेंस, तो ये वाली हाफ वाली डी हुई और ये भी डी हुई, है ना, ठीक। अब कह रहे हैं कि पहली हाफ डिस्टेंस वी से कवर कर रहा है, वी से, सेकेंड वाली को 2V से। अब मैंने मान लिया इसको कवर करने में T2 टाइम लगा, इसको कवर करने में T1 टाइम लगा, सिंपल। तो अगर मैं टाइम निकालूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू T1 बराबर क्या जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितनी है D अपॉन V। सेम अगर T2 निकालूं तो कितना आ जाएगा, D अपॉन 2V। हमसे पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2D। टोटल टाइम कितना लगा, एक लगा T1, एक लगा T2। तो अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, LCM को तो कितना आ गया, ये 2D प्लस D 3D हो गया अपॉन में 2V, 2V ऊपर चला जाएगा, तो 2D इंटू 2V अपॉन में 3D, इसे डी कटा कितना आ गया 4B/3। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 4B/3। अच्छा इससे पहले कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस है हमारी, वो देख लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पढ़ा है वी बराबर यू प्लस AT, इसकी प्रूविंग नहीं करा रहा, बस नॉर्मली याद कर लो। एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2AS। ये तीन क्वेश्चंस हैं आपकी। एक और है SN बराबर यू प्लस हाफ 2N-1 इंटू ए। देखिए ये चार इक्वेशन हैं आपकी, ठीक है। इसमें V क्या है लिख देता हूँ, V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, T आपका टाइम है, A एक्सेलरेशन है, S क्या है डिस्प्लेसमेंट ओवर distance,
ये कुछ चार क्वान्टिटीज है, ये आपको यूज़ करना। चलो अभी कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसका डिस्टेंस दे रखा है आपको ट्रैवल फ्रीली बॉडी बॉडी का, तो कह रहा है कि पहले सेकेंड में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ सेकेंड में कितना होगा, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में कितना होगा। ट्राई करूं, इसको रोको।